बड़े कजन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि घर पे आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही आपकी पढ़ाई जबरदस्त चलता होगा, ठीक है। किसी किसी विद्यार्थी को हम मतलब इंक्वायरी में हमें पता चला है कि वे घर पर नहीं पढ़ते हैं। भाई आप नहीं पढ़ते हैं तो समझे कि आप अपने पैर पर जो नया वाला कुल्हाड़ी होता है ना, उससे आप मार रहे हैं अपने पैर पे, समझे भाई। इंटर पास तो किसी भी तरह कर लीजिएगा, यदि आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर आगे चलकर आपको बहुत सारी दिक्कत होगा। इसलिए कृपया आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे वीडियो को पूरा पूरा देखें और फेयर तैयार करें, कॉपी तैयार करें, होमवर्क पूरा करें, रिविजन करें और अपने एग्जाम को फोकस करते हुए डेली बाई डेली आप स्टडी करें, ठीक है। और मेरे पूरा वीडियो को आप क्रमबद्ध तरीका से देखें, डेली देखें और डेली उसका फेयर तैयार करें, ठीक है, ताकि आपके आने वाले जो रिजल्ट्स होंगे, मार्क्स होंगे, वह आपके नाम में चार चांद लगाएगा, जिससे आपका हौसला बढ़ेगा, उम्मीद बढ़ेगी और अच्छे जॉब की तैयारी की तरफ और अच्छे चाहत, अच्छे नई जिंदगी के शुरुआत की तरफ आपकी उम्मीदें बरकरार रहेगी। तो चलिए दोस्त, हम आप आगे बात करते हैं आपके पढ़ाई की तरफ। जो कल हम क्या वीडियो बनाए थे कि इनवर्स मैट्रिक्स निकालते कैसे हैं, उस पर कुछ चार पांच क्वेश्चन बनाए थे कि इनवर्स मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। अब क्या है, फिर आपको हम क्वेश्चन लेके आए हैं, इनवर्स मैट्रिक्स पर ही बेस्ट क्वेश्चन है और वह इनवर्स मैट्रिक्स के तरीका का यूज करना है। अब डायरेक्ट इनवर्स मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन वहां से हमको क्या करना है, थोड़ा मिक्सिंग मिक्सचर मसाला है आपको, क्या है कि दो तीन बात उसमें जो ऐड रहेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है इनवर्स मैट्रिक्स से, यह सब देखिएगा आप स्थिर से एकदम कॉन्सेंट्रेटेड मूड में। ये आपको नहीं पूछना है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपने माथा को कहिए कि सर हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जरा सर से बातें कर रहे हैं, ऐसे आपको लगना चाहिए। हम उस जोश और उमंग से पढ़ाते हैं कि आपके नस नस में आप मैथमेटिक्स दौड़ेगा। बस आपका काम है क्या करना, प्रैक्टिस जारी रखना, मेहनत जारी रखना, रेगुलेटिव वे में मेहनत करना। जिस तरह से हम रेगुलेटिव वे में डेली टू डेली वीडियो डालते हैं, आप भी डेली टू डेली आप अपना पढ़ाई को पूरा कीजिए, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम पांच क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यह पांच क्वेश्चन क्या है, सभी का सभी एक जैसे क्वेश्चन ही है, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट ए बराबर 3725 एंड बी बराबर 6879 वेरीफाई दैट एबी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। क्वेश्चन क्या कहा, ध्यान समझिएगा कि क्वेश्चन कह रहा है ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है 2x2 ऑर्डर का, फिर बी एक मैट्रिक्स है जो क्या है 2x2 ऑर्डर का, वेरीफाई दैट मतलब क्या, जांचिए, प्रूफ कीजिए, समझ रहे, वेरीफाई मतलब जांच कीजिए कि ए बी मतलब ए से बी में गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका हम इनवर्स निकालेंगे, तो यह आपका एलएचएस होगा। और आरएचएस में क्या कह रहा है कि बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, कि पहले हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं बी इनवर्स और फिर बी से ए में गुना करेंगे, बी इनवर्स से ए इनवर्स में गुना करेंगे, तब वह क्या आना चाहिए कि दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब देखिए इसका सोल्यूशन हम क्या करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, हेयर कीजिएगा, ठीक है, क्या की? चलिए देखिए आपको क्या है, सोल्यूशन में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक का। क्वेश्चन नंबर एक का सोल्यूशन क्या कहता है कि हेयर ए बराबर 3725, ठीक है, फिर क्या है आपका बी बराबर 6879, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन मैंने कह रहा है एलएचएस में कि ए बी का इनवर्स निकालिए, तो पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी मतलब ए से बी में गुना मल्टीप्लाई, तो हम ए से बी में यहाँ पर मल्टीप्लाई किए इसके फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, तो 6 3 18 यहाँ पर लिख दिए, फिर आपको 7 7 49 तो यहाँ पर लिख दिए, फिर आपका फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में तो 8 3 24 तो यहाँ पर लिख दिए, फिर 7 7 49 प्लस कितना 7 9 63 तो प्लस 63 हो गया। फिर ध्यान से फर्स्ट रो का काम हो गया, अब आपको क्या करना है सेकेंड रो, तो सेकेंड रो से कहा फर्स्ट कॉलम में, तो सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में तो यहाँ पर लिखाएगा 6 2 12 फिर 7 5 35 प्लस में, ठीक है, फिर आप सेकेंड रो से कहा जाएगा सेकेंड कॉलम में, तो 8 2 16 फिर 5 9 45, ठीक है। अब यहां से इसका जो यह, इसका जो कैलकुलेशन की जाए जोड़िएगा 18 और 49, 18 49 कितना हो जाएगा आपका 67, ठीक है, फिर आपके यहाँ 24 और कितना 63, इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा
87 सर फिर इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 47 फिर यहां 16 और 45 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 61 अब यह हमारा निकला तो क्या निकला AB निकला अब हमको निकालना है LHS में AB का इनवर्स और AB का इनवर्स निकालने के लिए हमको निकालना होगा उसका डिटरमिनेंट क्योंकि डिटरमिनेंट हम लोग भाग देते हैं कहीं डिटरमिनेंट 0 आ गया तो इनवर्स निकलेगा ही नहीं इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग AB का डिटरमिनेंट तो AB का डिटरमिनेंट यह 2/2 ऑर्डर का है तो भाई जब ये 2/2 ऑर्डर का होता है तो क्या करते हैं हम लोग सीधा लेफ्ट और माइनस राइट मतलब लेफ्ट डायगोनल माइनस राइट ऊपर से लेफ्ट मतलब तिरछा गुणा करते ऊपर से लेफ्ट और माइनस राइट तो यहां क्या हो गया 67 × 61 और माइनस फिर 87 × 47 जब इस दोनों को गुणा किया जाएगा तो आएगा आपको कितना 40 × 87 आप गुणा कर लीजिएगा गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है ठीक है गुणा का आप अपना फिर से कर लीजिएगा चेक करके कि 67 और 61 को गुणा करें तो कितना आएगा फिर यहां 87 और 47 को गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा ठीक है वो आपका काम है गुणा करना ये नहीं कि सिर्फ छाप लीजिएगा बस हम गलत भी लिख सकते हैं समझे आप क्या कीजिएगा इसको सही से गुणा कर ले फिर इस दोनों को घटाइएगा तो कितना आएगा जो आएगा घटा के वह लिखिएगा यह आपका -2 यहां पर आया हुआ आप अपना से घटाइएगा इसको ठीक है क्या दिया -2 तो यहां AB का डिटरमिनेंट निकाले तो आया -2 तो भाई 0 के बराबर नहीं है तो क्या है इनवर्स निकलेगा इसलिए हम लिखे हैं क्या कि चूंकि यहां पर क्या लिखे चूंकि कि डिटरमिनेंट AB बराबर नॉट 0 देयरफॉर इट एग्जिस्ट AB इनवर्स कि जब डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब AB का इनवर्स क्या होगा निकलेगा कि हम इनवर्स निकाल सकते हैं अब फिर देखिए इनवर्स निकालने से पहले हमको एडजॉइंट चाहिए इसीलिए फॉर एडजॉइंट AB कि AB के एडजॉइंट बराबर तो AB के एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर चाहिए कोफैक्टर को हम कैपिटल C से या कैपिटल A से डिनोटेट करते हैं इसीलिए यहां पर क्या किए कैपिटल A11 मतलब प्रथम एलिमेंट जो है A11 उसका कोफैक्टर तो देखिए यहां पर है आपका यहां पर क्या कीजिएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ऐसे झांपिएगा तो आया 61 इसका चिन्ह प्लस है इसलिए प्लस 61 फिर आप क्या कीजिएगा A2 क्या है आपका A12 तो A12 को झांपिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम तो बचता है 47 तो फिर यहां आ गया 47 भाई साहब 87 को झांपे हैं 12 को तो इसका चिन्ह क्या है माइनस है इसलिए इसके आगे हम क्या किए माइनस लगा दिए ठीक है फिर आप देखिएगा आगे आपका क्या है 47 मतलब A21 तो भाई दूसरा रो और पहला कॉलम को झांपेंगे तो कितना आया 87 तो यहां पर हो गया आपका क्या 1 मतलब 21 तो -87 क्योंकि इसका चिन्ह क्या है माइनस इसलिए यहां पर आया माइनस फिर A22 मतलब आप A22 मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को झांपिएगा समझ ले तो 67 आया 67 यहां पर आएगा 67 तो A22 बराबर क्या हो गया 67 इसका चिन्ह प्लस इसलिए प्लस अब हम क्या ये तो कोफैक्टर निकला उसको फैक्टर को एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं जो क्या हम लोग बी बनाते थे लेकिन यहां बी पहले से वो दिया गया है तो उसका नाम हम चेंज कर दिए अब सी कर दिए क्योंकि ए बी तो पहले से एक नया मैट्रिक्स बनाने के लिए हम लोग इसको सी कर दिए और वह नया मैट्रिक्स क्या बनता है तो कोफैक्टर से जो कोफैक्टर निकलता है उसको हम फार्मा में रखते हैं मैट्रिक्स को तो वह क्या होता है आपका मैट्रिक्स बन जाता है तो यहां देखिए यहां आया फर्स्ट तो फर्स्ट स्थान पर सेकंड पर सेकंड पर फिर यहां थर्ड पर तो थर्ड पर फोर्थ पर फोर्थ पर मतलब इसको सजा दिया मैट्रिक्स के रूप में इसको हम सी मैट्रिक्स कर दिए अब हमको निकालना है एडजॉइंट एबी मतलब एबी का एडजॉइंट एबी एक मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट तो एबी के एडजॉइंट निकालने के जो नया मैट्रिक्स बनता है उसका हम लोग ट्रांसपोज करते हैं क्या करते हैं ट्रांसपोज तो भाई रो को कॉलम में चेंज फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को सेकंड कॉलम में इसको देखिए 61 − 47 तो 61 − 47 -87 = 67 तो -47 = 67 इसको चेंज कर दिया एडजॉइंट एबी निकला हमको तो एडजॉइंट एबी पर नहीं रुकना है हमको रुकना है क्या एलएचएस आपका है एबी का इनवर्स तो एडजॉइंट बटा डिटरमिनेंट यहां इसीलिए एलएचएस बराबर आपका हो गया क्या एबी के इनवर्स बराबर एडजॉइंट एबी बटा डिटरमिनेंट एबी तो डिटरमिनेंट एबी आया है -1/-2 समझे तो जो आएगा वह लिखिएगा आप यहां समझे हो -1/2 और ये आपका क्या है एडजॉइंट यहां निकाले हैं तो यह आया तो फिर यह लिख देते हैं अब इस माइनस आप इस समय गुणा भी कर सकते हैं इतना पर छोड़ दीजिए इससे कोई दिक्कत नहीं है अब फिर हम यह आपका एलएचएस निकला अब हम आरएचएस की बात करेंगे आरएचएस में यहां क्या कह रहा है ध्यान रखिए कि बी के इनवर्स इनटू ए के इनवर्स मतलब पहले आपको बी इनवर्स निकालना है फिर आपको ए इनवर्स निकालना है तब उस दोनों को मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना है तो देखिएगा ध्यान से यहां हम क्या कर रहे हैं आओ फॉर आपको निकालना है क्या बी इनवर्स निकालना है ठीक है तो इसीलिए आपको बी इनवर्स से पहले आपको क्या करना होगा बी का डिटरमिनेंट निकालना होगा क्या करना होगा बी का डिटरमिनेंट तो नाउ मतलब अब हम बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे देख लीजिए बी यहां पर है ना आपका तो फिर क्या कीजिएगा लेफ्ट माइनस राइट
तो 6 गुने 9 समझ रहे, तो 6 9 54 समझ रहे, अब माइनस 8 7 56 यहां होगा 56 बराबर आएगा माइनस 2 बी का डिटरमिनेंट समझ रहे। इसका मतलब बी क्या है, मैं इनवर्स रखेगा। फिर आप देखिए ए का भी निकालिएगा डिटरमिनेंट ए का, तो ए का देखिए ए का डिटरमिनेंट निकाल तो लेफ्ट माइनस राइट, तो 5 दिया 15 और 7 2 14 5 दिया 15 समझ रहे, और माइनस 7 2 14 यह घटाएगा तो ये आएगा। तो भाई यहां यहां क्या देख रहे हैं हम लोग कि चूंकि डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू नॉट 0 समझे, और डिटरमिनेंट बी बराबर नॉट 0, तो देयरफॉर मतलब इट इज क्या होगा कि इट एग्जिस्ट मतलब यह सब क्या करेगा, ए बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, यहां क्या होगा ए इनवर्स भी रखेगा एंड बी भी इनवर्स रखेगा, क्योंकि ए इनवर्स में निकलेगा और बी इनवर्स में निकलेगा, क्योंकि यहां ए के बराबर भी 0 नहीं आता है और बी के बराबर भी 0 नहीं होगा, -2 और एगो 1 आता है। ठीक है, तो अब इसके आगे की प्रक्रिया क्या है मेरा कि बी इनवर्स से ए इनवर्स में गुणा करना, तो हम बी इनवर्स पहले निकालेंगे फिर ए इनवर्स निकालेंगे उसको हम गुणा करेंगे। तो इसको आप क्या कीजिएगा, अच्छा से आप नोट कीजिएगा, ठीक है, पता देख लीजिए, ऐसे नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, वीडियो करो कर और उसके बाद फिर हम आगे करेंगे काम क्या बी इनवर्स और ए इनवर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, देखिए अब हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब यहां से क्या करना है आपको, ए इनवर्स और बी इनवर्स निकालना है। ठीक है, आइए ध्यान से देखते रहिएगा कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, आइए अब आगे देखिए, चलिए देखिए हम पहले निकाल लेते हैं क्या b इनवर्स। ठीक है, तो फॉर एडजॉइंट एडजॉइंट b, तो b के एडजॉइंट के लिए, तो b के एडजॉइंट निकालिएगा तो देख लीजिए कैपिटल a11 समझे, को फैक्टर को हम कैपिटल a1 से ही डिनोट करते हैं, कैपिटल a से s से समझे, तो b के निकालें हम, ठीक है, फॉर एडजॉइंट b मतलब b के लिए, तो b का एडजॉइंट निकालिएगा तो b के एडजॉइंट क्या ऐसे इसको झांपिएगा ना को फैक्टर निकालने के लिए a11, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या करेंगे हम लोग झांप देंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को झांपेंगे क्या आया 9 आया, यह 9 हो जाएगा, इसका चिन्ह प्लस है भाई साहब, इसका चिन्ह क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का चिन्ह तो प्लस माइनस माइनस प्लस बस यही ना होता है, तो इसका चिन्ह हो गया तो प्लस। अब फिर देखिएगा यहां कॉमा a12, तो a12 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को झांपे 7 आया समझ रहे, तो 7 का चिन्ह क्या है यहां माइनस, तो -7 समझ रहे। फिर यहां a कितना 21 a21 कीजिएगा तो 2 और 1 इसको झांपेगा तो कितना 8 आएगा, तो 8 आ गया समझ रहे। फिर कॉमा a22, तो 22 निकालिएगा तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम, अब भाई साहब यहां देखिए 21 जो निकाले हैं तो इसका चिन्ह माइनस, तो यहां -8 आ जाएगा, और 22 को झांपेगा तो इसका चिन्ह तो प्लस है, इसको झांपेगा तो 6 आएगा प्लस में। अब इससे हमको बनाना है एक नया क्या चीज मैट्रिक्स, तो भाई हम ए बी सी तक बना चुके हैं, तो हम क्या बनाएंगे अब एक डी बनाएंगे, तो डी बराबर आपका मैट्रिक्स बनेगा किससे, कोफैक्टर से, तो कोफैक्टर आपका क्या निकला यहां 9 - 7, तो 9 - 7 फिर क्या निकला -8 और 6, कोई दिक्कत। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, तो एडजॉइंट बी बराबर ट्रांसपोज डी, डी का ट्रांसपोज, तो जब ये डी का ट्रांसपोज कीजिएगा तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो 9 - 7 और -8 6, ये आपका क्या हो एडजॉइंट निकला किसका, तो डी का समझ रहे। अब उसके बाद देखिएगा हमको डी पता हो गया, उसके बाद हमको क्या करना है ए का, तो क्या निकला एडजॉइंट निकला किसका एडजॉइंट, तो भाई बी का एडजॉइंट निकला ना, ये बी का एडजॉइंट निकला, हमको निकालना है बी इनवर्स, तो बी इनवर्स बराबर क्या होता है भाई एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी बटा डिटरमिनेंट बी, तो आपका एडजॉइंट बी तो डिटरमिनेंट बी कितना है -2, तो 1 - -2 क्योंकि डिटरमिनेंट बटा में जाता है, और तब एडजॉइंट, तो एडजॉइंट अभी निकाले हम लोग ट्रांसपोज करके, तो 9 - 8 और फिर है -7 और 6, यह आपका क्या बी इनवर्स पता हो गया समझे। अब बी इनवर्स निकालने के बाद हम क्या निकाल रहे हैं ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के लिए देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हमको क्या चाहिए एडजॉइंट ए, तो आइए यहां पर देखिए फॉर एडजॉइंट ए, अब एडजॉइंट ए के लिए, तो फिर ए11, अब ए में जाइए और ए का कोफैक्टर निकालिए,
कहिएगा सर जी बहुत बारह जा रहा है। अरे भाई बारह कुछ नहीं, काम एक ही बात को हमको तीन बार नहीं चार बार करना है, तो बारह जाएगा तो इससे क्या हो गया, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। आइए देखिए आगे माइनस में समझे, ए टू वन, ए टू वन को इसको ऐसे झांपिएगा आएगा सात, तो फिर ये आएगा माइनस सात, समझ रहे हैं। फिर ए टू टू, तो ए टू टू इसको झांपिएगा, इसको झांपिएगा तो आएगा तीन, जो प्लस में आएगा तीन। अब इसीलिए आपको ए बी सी डी नया मैट्रिक्स, अब यहाँ लिखिएगा ई नया मैट्रिक्स, और ई को लिखिएगा उससे किस चीज से, इसके कोफैक्टर से, कोफैक्टर आया है पांच माइनस दो, फिर माइनस सात और तीन, इसको आप क्या कीजिएगा, हमको तो एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट ए बराबर ट्रांसपोज ई, अब ई के ट्रांसपोज करेंगे, देखते रहे बोर्ड पर ध्यान से, घबराने की कोई बात नहीं है। 5 माइनस 2 माइनस 7 3, या आपका एडजॉइंट निकल गया, तो हमको चाहिए ए इनवर्स, तो ए इनवर्स पर आप फॉर्मूला एडजॉइंट ए आप बटा डिटरमिनेंट ए, तो डिटरमिनेंट ए तो 1 आया है, तो भाई 1 लिखिए या ना लिखिए, सीधा एडजॉइंट जो है वही आपका क्या हो जाएगा, आपका इनवर्स हो जाएगा। अब यह जो बात आया ए इनवर्स, मेरा आर एच एस क्या कहता है उस पर चलिए, तो आर एच एस कहता है कि बी इनवर्स से ए इनवर्स में गुना कीजिए, तो B इनवर्स लिखिए, ठीक है। देखिए B इनवर्स बराबर B इनवर्स, तो B इनवर्स अभी निकाले हम लोग कहां पर, यहां पर निकाले, देख लीजिए क्या निकला है B इनवर्स, तो आपको 1 बटा माइनस 2, समझ रहे, और 9 माइनस 8 फिर माइनस 7 तो 6, ये B इनवर्स इन टू A इनवर्स, A इनवर्स अभी निकाले 5 माइनस 7, समझ रहे, और माइनस 2 3। अब इस दोनों का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो देख लीजिए एलएचएस में ये आया हुआ था, फिर हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, और यह आप नोट कर लिए होइएगा, ठीक है। अब फिर यहां से ध्यान से देखिए, अब इसको हम गुना करेंगे, समझ रहे, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 ये आ गया, ये है तो माइनस 1/2 आगे रह जाएगा। अब इस चीज को हम गुना करेंगे, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, तो 9 × 5 = 45, तो यहाँ आएगा 45, और फिर माइनस 8 × 2 = 16, तो माइनस माइनस प्लस 16, समझ रहे। फिर देखिएगा फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, तो 9 × 3 = 27, तो आपका हो गया माइनस 87, क्या हो जाएगा माइनस 87, ध्यान से देखिए थोड़ा सा हम इधर घुसाते हैं इसको, ठीक है, बराबर हो जाएगा 1/-2, फिर यहाँ हो जाएगा आपको 9 × 5 = 45 प्लस 8 × 2 = 16, ठीक है। फिर आपका फर्स्ट से फर्स्ट में 9 × 7 = 63 माइनस में 8 × 3 = 24 −24, समझ रहे हैं। फिर देखिएगा सेकंड से फर्स्ट में, तो 7 × 5 = 35 −35 6 × 2 = 12, समझ रहे हैं। फिर आपको यहाँ देखिए सेकंड से सेकंड में 7 × 7 = 49, ठीक है, और 6 × 3 = 18। अब इस चीज को क्या कीजिए आप, हल कीजिए कैलकुलेशन, तो −1/2 बाहर, यहाँ जोड़िएगा तो 5 × 6 कितना 1, 4 × 1 = 5 × 6 = 61, फिर यहाँ जोड़िएगा तो देख लीजिए 4 × 3 माइनस है, 4 × 3 = 7 और 6 × 2 = 8, फिर यहाँ देखिए 12 × 35 तो 12 × 35 कितना −47, फिर यहाँ देखिए इसको जोड़िएगा तो 8 × 9 = 17 और 4 × 5 = 6 = 67, यही चीज आपका क्या था एल एच एस आया था, तो बस आप अंत में लिख दीजिए क्या, हेंस एल एच एस बराबर आर एच एस, जो आपका क्या हो जाएगा प्रूफ हो गया। भाई घबराना नहीं, स्थिर से आपको सब में वही काम करना है, समझे, तो भाई काम लंबा देगा तो लंबा जाएगा, इसलिए आपको घबराना नहीं है। आप यह भी सोचिए कि आईएससी आपको क्या है 12th कर रहे हैं, समझे, मैट्रिक या 9वां 10वां नहीं और 8वां 7वां, क्या बस थोड़ा देर में बनाइए काम खत्म। भाई यह बहुत चीज आपके लाइफ में सिखा देगा, यह जो आपका पीरियड है 11th 12th, बहुत चीज सिखाता है आपको, लाइफ को जीना सिखा देगा, मेहनत करना सिखा देगा, लाइफ में आगे कैसे बढ़िएगा वह सब सिखा देगा, आपको 12 घंटा कैसे बैठ कर पढ़ना है वह सब सिखा देगा, समझे। एक सवाल में देखिए औकताइएगा नहीं, मैथ पढ़ते हैं, मैथ का मतलब समझ रहे, धैर्य और साहस हिम्मत के साथ पढ़िएगा, 21 सवाल आपका गलत नहीं होगा, जहां पर रुक लाइएगा धैर्य को कम कीजिएगा, कंसंट्रेशन खोइएगा, वहां पर फटाक से मिस्टेक होगा और आपका क्या हो जाएगा गलती हो जाएगा। तो आप सबको क्या कीजिए नोट कीजिए, फिर हम आगे दूसरा बात करते हैं, समझे, या आपका एक टाइप क्वेश्चन था, आप यहाँ से 2 3 4 5 यह सब में देखिए क्वेश्चन क्या है, सब सेम है,
कहता इफ ए बराबर दिया गया 3 1 -1 2 सो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a + 7i बराबर 0। पहले कहता इतना दिखाइए कि इतना बराबर 0, जो आप पिछले वाला हम क्या है मैं भी दिखा चुके हैं आपको पीछे जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें भी। उसके बाद हेंस फाइंड ए इनवर्स, एक बात यहां क्या है जुड़ गया कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। देखिए गाइस ऐसे बनाने में आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ही आसान आसानी क्वेश्चन सब है। फिर एक अलग क्वेश्चन यहां है, फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड द नंबर्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के मान ज्ञात कीजिए सच दैट ऐसा है कि ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी आई बराबर 0। कितना बराबर 0 दिया गया, ए के मान दे दिया तो स्मॉल ए और स्मॉल बी का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के सवाल हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में भी पता है। फिर यहां फॉर द ए मैट्रिक्स सो दैट ए 3 ए समझ ये भी है इसी के जैसा, जैसा 2 है वैसा ही 4 है, बस उसमें ए स्क्वायर है यहां ए क्यूब है और यहां 2/2 है, यहां क्या है 3/3 ऑर्डर का। तो कोई दिक्कत नहीं, हम यह भी बना देंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हम एक क्वेश्चन छोड़ेंगे जो आपका होगा 5 नंबर क्वेश्चन, और क्योंकि 4 में और 5 में हमको कहीं से कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है, दोनों क्या क्या है एकदम सेम टू सेम हर चीज हमको नजर आ रहा है। यह भी 3/3 का, यह भी 3/3 का, यहां भी है क्यूब, यहां भी है क्यूब, यहां 6a² यहां भी 6 होगा, यहां 5 है तो यहां 9 है, तो आप 5 से गुणा करेंगे या 9 से गुणा करेंगे, यहां 11 आई है तो यहां -4 आई है, बस ये हो गया। उसके बाद ये फाइंड इनवर्स, तो फाइंड इनवर्स मतलब 4-5 में दोनों सेम इसलिए हम सिर्फ 5 छोड़ेंगे और यह 5 आपको बनाना है और आज बना लेना है, ये बात सुन लीजिए, कल के भरोसे मत छोड़िएगा, नहीं तो आपको फिर क्या होगा मेहनत में कमी हो जाएगा, तो फिर क्या होगा आगे चलकर दिक्कत होगा। इसलिए आप क्या कीजिएगा, हम अभी क्या है आपको 2 3 4 अभी 3 क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद आपका वीडियो अंत होगा, ठीक है। देखिए यहां ध्यान दीजिए, अब आइए चलिए देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है सॉल्यूशन है देखिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है हेयर, सबसे प्रथम बात हेयर क्या दिया गया है ए बराबर, जो दिया गया है वो लिख दीजिए 3 1 -1 और 2 3 1 -1 2 ए बराबर दे दिया, कहता है सो दैट दिखाइए ए स्क्वायर माइनस 5a + 7i समझे। तो पहले ए स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर निकाल लेंगे भाई साहब, ए स्क्वायर का मतलब 1 × 1 समझ रहे हैं, तो 1 × 1 तो ये को पहला मैट्रिक्स ए है और फिर दूसरों मैट्रिक्स ए है, उस दोनों को लिख दीजिए और गुना कर दीजिए 3 1 -1 और 2। आप देखिए जब ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। देखिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम तो 3 किया हो गया आपका 9 प्लस माइनस, यहां माइनस प्लस से माइनस 1 में तो -1 ठीक है। फिर आगे बढ़े फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, तो 3 × 1 = 3 1 × 2 = 2 समझ रहे हैं, ये एक मैट्रिक्स बनेगा। फिर आप आगे देखिए, अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, तो 3 से 1 में तो -3 2 से 1 में तो -2 फिर यहां देखिए सेकंड रो से सेकंड में तो -1 फिर 2 से 2 में तो +4 इसको हल कीजिएगा तो आएगा आपका 8 3 2 5 ठीक है -5 और 3 1 = 3 यह आपका क्या निकल गया भाई साहब ए स्क्वायर निकला हमको। आप इसमें ए स्क्वायर के अलावा ज्यादा कुछ नहीं निकाला है, देख लीजिए ये पता है आई का मतलब आपको पता है, आई को हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं समझे। यहां 2 ऑर्डर है 2/2 का, तो 1 0 0 1 होगा आई बराबर समझ रहे। आइए आप देखिए यहां क्या दिया गया कि चूंकि हमको चूंकि मतलब सिंस दिया गया क्वेश्चन में आपको कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 मतलब इतना प्रूफ करना है, तो आप प्रूफ करने के लिए इधर क्या लिखिएगा एलएचएस लिखिएगा बराबर इतना आप बराबर 0 आ जाएगा अपने आप, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ए स्क्वायर माइनस 5a + 7i देखिएगा ए स्क्वायर यहां निकाला है हम, लिख दीजिए ए स्क्वायर क्या होगा 8 5 - 5 फिर 3 माइनस 5 और ए, तो फिर ए का मान रखिए यहां से देख लीजिए ए का मान यहां है कितना है, यहां 5 है 5 और ए, ए के जगह ए का मान तो 3 1 - 1 2 फिर प्लस 7 समझ रहे 7 है तो 7 आई तो 1 0 0 1 आई हो गया। अब इसको हल करना है क्या बराबर, आप डायरेक्ट 0 0 0 लिख दीजिए क्योंकि 0 लाना है आरएचएस लिख दीजिए, कहिएगा सर जी इतने तेज काला बनते हैं हमको बेखूब समझ लिए क्या, हल नहीं किए डायरेक्ट 0 लिख दे, अरे भाई 0 प्रूफ करना है तो 0 ना आएगा, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत क्या है, सब काम हम माथा में किए हैं। देखिए 8 यहां पर है और 5 किया 15 -15 हुआ और 7 × 1 = 7 तो भाई देखिए यहां +7 और -15 और फिर +8 तो 8 और 7 = 15 और -15
आठ ई प्लस में आ यहां प्लस में 7 8 7 15 हुआ आ यहां पांतिया माइनस 15 तो प्लस 15 माइनस 15 क्या होगा 0 फिर यहां देखिए 5 यहां माइनस 5 5 एक आई तो 0 है तीसरा स्थान वाला 7 से गुणा होगा 0 तो माइनस 5 और प्लस 5 फिर 0 माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस 5 फिर 0 और यहां देखिए 3 है प्लस में 5 दुना 10 है 7 एक 7 तो 7 और 3 10 और माइनस 10 यहां पर गुणा कीजिएगा तो फिर 0 तो हमको दिमाग लगाना ही नहीं है सीधा क्या लिखना है 0 प्रूफ करना है तो 0 आएगा ही समझे बस आप a स्क्वायर निकाले वह आपको अच्छा से निकालना चाहिए अब क्वेश्चन कहता है कि यह तो प्रूफ कर दिए आप अब प्रूफ करने के बाद कहता है हेंस फाइंड a इनवर्स कि a इनवर्स निकालिए तो कहेगा सर हमको फिर उतना काम करना होगा नहीं रे बाबा उतना काम नहीं करना है आपको आपको क्या करना है a इनवर्स निकालना इस मेथड से समझ रहे वो आपको फैक्टर वाला जमाना गया इस टाइप के सवाल में को फैक्टर से हमको मतलब नहीं है आइए देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं चूंकि सिंस a इनवर्स क्या करेंगे चूंकि a इनवर्स हमको निकालना है दिया गया क्या है सो पहले लिख देंगे a स्क्वायर क्या दिया गया ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा चूंकि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 इतना तो दिया गया है तो भाई आप सीधे आप क्या निकालना है a इनवर्स तो a इनवर्स से गुणा कर दीजिए समझे क्या करना है a इनवर्स से गुणा तो मल्टी क्या करना है a इनवर्स से गुणा करना है तो मल्टीप्लिकेशन ठीक है या मल्टीप्लाइड समझ रहे मल्टीप्लिकेशन बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा करने पर बताइए गुणा कीजिएगा तो यहां आएगा a इनवर्स इनटू a स्क्वायर माइनस 5 a इनवर्स इनटू a फिर प्लस 7 a इनवर्स इनटू i बराबर 0 इनटू a इनवर्स तो a इनवर्स कोई दिक्कत अब देखिए a इनवर्स है तो यहां गुणा कीजिएगा तो a इनवर्स इनटू a और फिर a को a स्क्वायर तो a को a बच जाएगा माइनस 5 और a इनवर्स इनटू a तो a इनवर्स इनटू a बराबर i आप प्लस आपको i गुने a इनवर्स हम बताया था i का मतलब 1 होता है a इनवर्स का गुणा कीजिएगा तो 7 a इनवर्स ही खाली रह जाएगा i खत्म अब बराबर होने 0 है तो 0 रहबे करे यहां फिर यह गुणा होके i हो जाएगा a इनवर्स इनटू a भाई a इनवर्स मतलब उल्टा a मतलब सीधा तो a को a इनवर्स है a को a है तो a को उल्टा a को सीधा जैसे 5 गुने 1 बटा 5 क्या होता है तो एक मैथमेटिकल मैट्रिक्स में हम लोग i कहते हैं यहां i i into a है तो a माइनस 5 i और प्लस 7 a इनवर्स बराबर 0 अब a गुने i है तो आपको क्या हो जाएगा a होगा और माइनस 5 i होगा और प्लस 7 a इनवर्स होगा बराबर 0 अब हमको निकाला a इनवर्स तो a इनवर्स वाला एक साइड अब बाकी सब एक साइड देखिए ना कितना आसान है 7 a इनवर्स इधर और उसको उधर ले जाइए तो माइनस a यहां माइनस प्लस 5 अब मान रख दीजिए तो माइनस 7 है ना यहां पर a माइनस a तो a माइनस है a के मान रख दीजिए a के मान यहां से है अब तक से देख लीजिए 3 1 तो 3 1 और माइनस 1 और 2 और प्लस 5 i का मान फिर 2 by 2 के तो 1 0 और 0 1 अब इस दोनों का हल कर लीजिए इधर है आपका 7 a इनवर्स तो इधर से आपका a इनवर्स बराबर निकलेगा इधर 7 गुना में तो इधर जाएगा तो 1 बटा 7 और यहां माइनस से गुना कर लीजिए इसमें देख लीजिए यहां एक मैट्रिक्स बनेगा माइनस 3 और प्लस 5 देख लीजिए 5 एक 5 और माइनस 3 तो बच गया 2 फिर यहां देखिएगा ये 5 से 0 में तो 0 और माइनस 1 तो यहां माइनस 1 फिर यहां देखिए माइनस माइनस प्लस 1 और 5 से 0 तो हो जाएगा प्लस 1 फिर देखेंगे यहां माइनस 2 माइनस से गुना होकर माइनस 2 और 5 एक 5 तो 5 में से माइनस 2 जाएगा तो 3 और यही आपका क्या हो गया इनवर्स हो गया आप लिख दीजिए अंत में क्या थी भाई हेंस अंत में दही पड़ता है ना तो दही हेंस a इनवर्स बराबर 1/7 यहां क्या 2 माइनस 1 1 3 यही आपका फाइनल आंसर हो गया कोई दिक्कत हुआ कहीं है नहीं भाई एकदम आसान है समझ रहे हैं और शुरू में घी और अंत में दही यह दो के बाद भोज में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसी प्रकार से आप प्रत्येक सवाल को समझिएगा कि हम भोज में बैठकर मन से खा रहे हैं तो शुरू में लिखिएगा हे और अंत में लिखिएगा हेंस कह रहे से बात समझ ना ऐसा ही आपको पढ़ना है इसको नोट कीजिए फिर वीडियो को रोककर आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए नोट कीजिए तब रोक लीजिए ठीक है अब हम मिटाते हैं और आगे बढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वह क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम करते हैं
सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 3 में क्या करते हैं ध्यान सुनिएगा फॉर द मैट्रिक्स ए बराबर 3 2 1 1 फाइंड द नंबर्स ए एंड बी ए और बी का मान ज्ञात कीजिए सच दैट ऐसा है कि ए स्क्वायर प्लस ए ए प्लस बी आई बराबर 0 भाई इतना बराबर 0 दिया गया तब ए और बी इसमें अननोन चीज है स्मॉल ए स्मॉल बी तो उस स्मॉल ए स्मॉल बी का मान निकालना है जब ए बराबर इतना दिया गया है सबसे पहले सवाल बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं हेयर लिखते हैं आइए लिखिए हेयर ए बराबर दिया गया है आपका एक 2x2 का मैट्रिक्स तो लिख दीजिए 2x2 क्या है 3 2 1 1 समझ रहे कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा भाई अब देखिए ना ए स्क्वायर दिया हुआ है तो ए स्क्वायर पहले निकाल लीजिए तो ए स्क्वायर बराबर ए गुने ए मतलब ए है आपका 3 2 1 1 फिर है आपका 3 2 1 1 अब इसको हम गुना करेंगे ना आइए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में तो 3 3 9 भाई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ऐसे या फर्स्ट रो आई फर्स्ट कॉलम देख लीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट वाला से फर्स्ट में 3 3 9 और 2 से 1 में तो प्लस 2 1 2 फिर आई फर्स्ट रो से कहां सेकंड कॉलम में तो 3 2 ना 6 समझे फिर 2 1 2 कोई दिक्कत अब आइए फिर यहां देखिए सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में 3 गुने 1 तो 3 फिर 1 गुने 1 तो आपका होगा 1 ठीक है फिर यहां फर्स्ट रो से कहां सेकंड कॉलम में तो 1 गुने 2 तो 2 और प्लस 1 गुने 1 तो आपका होगा क्या 1 अब इस चीज को आगे बढ़ाइएगा तो आपका क्या आएगा यहां से देखिए 9 और 2 11 समझ रहे फिर 6 और 2 8 ठीक है फिर यहां देखिए 3 और 1 4 और 2 और 1 3 यह आपका क्या निकला भाई ए स्क्वायर निकला अब आइए फ्रॉम क्वेश्चन मतलब सिंस चूंकि क्या दिया गया है चूंकि में सो देखिए सिंस सिंस में क्या दिया गया चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि ए स्क्वायर समझ रहे हैं ए स्क्वायर प्लस ए ए का स्मॉल ए इनटू कैपिटल ए और प्लस बी आ आई बराबर 0 इससे दिया है इसमें हमको पता है कि स्मॉल ए और स्मॉल बी का मान चाहिए तो भाई एक ए स्क्वायर के जगह ए का मान रखिए बी स्क्वायर के जगह बी का मान तो ए स्क्वायर के जगह अभी निकाले हैं रख दीजिए क्या 11 8 4 3 फिर स्मॉल ए इनटू ए के जगह ए का मान रखिए ये स्मॉल ए है समझ रहे हैं स्मॉल ए और फिर आप ए के जगह कैपिटल ए तो कैपिटल ए बराबर तो आपको हेयर तक दिया गया है फिर शुरू में 3 2 1 1 फिर आपको प्लस बी बी का मान दिया गया है फिर बी का मान रखिए तो बी तो बी रहेगा भाई क्योंकि वो कांस्टेंट अननोन है मतलब पता नहीं आई तो पता है 2x2 का 2x2 का आई होता याद कर लीजिए 1001 ये फिक्स है समझे अब इसके बराबर 0 है तो 0 रखने दीजिए अब इस सब को जब आगे बढ़ाइएगा तो देखिए क्या मिलेगा आपको 11 और माइनस अथी ए से 3 में तो प्लस 3 फिर यहां बी गुने 1 तो प्लस बी समझ रहे हैं फिर ध्यान से देखिएगा क्या होता है यहां देखिए 8 से अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाला 11 3 गुने तो 3 है बी गुने 1 तो बी अब आइए सेकंड वाला 8 और 2 गुने ए तो 8 प्लस 2 ए 8 प्लस 2 ए यहां तो क्या है 0 ये नहीं लगेगा नहीं लिखा है अब यहां देखिए 4 है तो 4 और यहां 1 तो 4 प्लस ए 4 प्लस ए गुने 1 तो ए फिर यह क्या है 0 यहां फिर आए 3 में तो 3 या 1 गुने 1 तो 3 प्लस ए और फिर यहां देखिए बी गुने 1 तो प्लस बी अब बराबर में है 0 0 0 भाई 0 है तो 0 मैट्रिक्स 2x2 है तो 2x2 के लिख देंगे अब हम एलिमेंट को क्या करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग तुलना करेंगे इक्वेटिंग करके क्योंकि एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है भाई हां क्या है बराबर है तो भाई पहला एलिमेंट पहला के बराबर यहां से निकलेगा देयरफॉर क्या निकलेगा देयरफॉर 11 प्लस 3a 11 प्लस 3a प्लस b बराबर 0 समीकरण 1 फिर दूसरा है आपका 8 प्लस 2a बराबर 0 समीकरण 2 फिर आपका है क्या 4 प्लस a बराबर 0 समीकरण 3 फिर आपका है 3 प्लस a प्लस b बराबर 0 समीकरण 4 सबसे पहले हम 3 को हल करेंगे सर जी 3 को क्यों हल कीजिएगा सर सबसे आसान सबसे इजी मेरा है 3 नंबर देखिए ना 4 * a बराबर 0 a को इधर करेंगे 4 को उधर करेंगे a बराबर आराम से आ जाएगा सो वेरी सिंपल उसके बाद क्या आपको 4 को हल कीजिए b का निकल जाएगा a का मान a में रख दीजिए a का 2 तन का भिरा लगता तो का साइड में रखने दीजिए ना कैला हम जाएंगे पहाड़ से टकराने समझ रहे आराम से जो आसान लगता है उस समीकरण को हल कर लीजिए आइए देखिए फ्रॉम इक्वेशन कितना 3 नंबर
तो तीन नंबर में क्या कहता है 4 plus a बराबर 0 तो इसीलिए a बराबर -4 ये कुछ निकल गया। अब क्या करेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ ऑफ a इन इक्वेशन कहां 4 में रखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4 4 क्या है देख लीजिए 3 plus a 4 क्या है 3 plus a plus b बराबर 0 तो भाई 3 आ plus a के मान -4 आ plus b बराबर 0 अब b इधर रह जाएगा आ -4 आ 3 तो -1 आ वही साइड जाएगा तो plus a अब अंत में लिख दीजिए hence a बराबर -4 a बराबर -4 आ तथा b बराबर +1 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको क्या कीजिए आप नोट कीजिए और एक क्वेश्चन 4 नंबर है हम 4 को बनाएंगे उसके बाद 5 आपको खुद ब खुद बना लेना है 4 भी आपसे बन जाएगा लेकिन हम एगो बना देते उसके बाद 5 आप बना लीजिए सबको आप फिर कॉपी में कंप्लीट रखिएगा फिर हां चलिए नोट कीजिए इसको लोग का चलिए आगे बढ़ते हैं कस के मेहनत कीजिए खूब जम के मेहनत कीजिए तब जाके आपका क्या होगा जो चाहिएगा वह सब मिलेगा समझे आइए अब हम करते हैं सॉल्यूशन नंबर 4 सॉल्यूशन नंबर 4 क्या कहता है ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन 4 क्या कहता है फॉर द मैट्रिक्स ए ए मैट्रिक्स के लिए सो दैट दिखाइए a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11a बराबर 0 पहले तो इतना बराबर 0 दिखा देना तब फाइंड द इनवर्स जैसे आप ही बनाए ना दो नंबर समझे उसी प्रकार से यह भी है बस वहां स्क्वायर थे यहां क्यूब है तो कोई बड़ी बात नहीं है आइए देखिए स्थिर से काम कीजिएगा थोड़ा सा समझे बस a बराबर हियर a बराबर क्या दिया गया 3/3 ऑर्डर का है देख लीजिए 3/3 का 4 का हम हल कर रहे हैं तो a बराबर है 1 1 1 फिर 1 2 -3 2 -1 3 ठीक है अब हमको देख लीजिए इसमें जरूरी पड़ेगा a क्यूब और a स्क्वायर तो पहले a स्क्वायर आई तो पता है a पता है a स्क्वायर निकालेंगे और a क्यूब निकालेंगे तो पहले हम लोग a स्क्वायर निकाल लेते हैं देखिए a स्क्वायर 1 1 1 a लिख दिए फिर 1 2 -3 फिर 2 -1 3 ठीक है उसके बाद फिर इसी में गुणा तो फिर इसी बात को लिखेंगे 1 1 1 1 2 -3 फिर 2 -1 3 ठीक है उसके बाद इस दोनों को हम क्या करेंगे गुना करेंगे ताइए गुना करने के तो हम लोग कैसे गुना करते हैं देखिए रो से कॉलम में पहला के रो और दूसरा के कॉलम सबको संगत एलिमेंट से देखिए फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम ध्यान से देखिएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट वाला से फर्स्ट में तो 1 × 1 तो 1 होगा प्लस दूसरा के 1 × 1 तो 1 होगा प्लस 1 × 2 तो 2 होगा ठीक है फिर देखिएगा फर्स्ट रो से अभी भी ज्यादा भागा नहीं फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में ठीक है सर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में 1 × 1 तो यहां सेकंड कॉलम में लिखाएगा थोड़ा जगह छोड़ के 1 फिर वो दूसरा से 2 में तो 1 × 2 फिर तीसरा से तीसरा में तो -1 ठीक है फिर आगे बढ़िएगा फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में तो समझे अभी भी नहीं आता है फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में तो 1 × 1 तो आपका 1 समझे 1 × 1 तो 1 फिर 1 × 3 तो -3 फिर देखिएगा 1 × 3 तो +3 अब यह जो बनेगा मेरा वो एक मैट्रिक्स बनेगा जो ए स्क्वायर रहेगा अब ये फर्स्ट रो का काम हो गया अब दूसरा रो में फर्स्ट कॉलम 1 × 1 तो आपका आएगा 1 2 × 1 तो +2 फिर -3 × 2 तो -3 ठीक है अब फिर देखिए आगे आपका फर्स्ट ए थोड़ा सेकंड रो और थर्ड कॉलम तो 1 अभी सेकंड में सेकंड कॉलम में सेकंड रो सेकंड कॉलम में तो 1 × 1 तो 1 ठीक है 2 × 2 तो 4 फिर यहां -3 × -1 तो +3 फिर देखिएगा आप सेकंड रो से क्या सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में 1 × 1 तो 1 ठीक है 2 × 3 तो -3 सॉरी दैट ध्यान दीजिए 2 से 3 में तो -6 ठीक है -3 से 3 में तो -9 ठीक है सेकंड रो का काम हो गया थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में देख लीजिए सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम 2 × 1 तो क्या आ जाएगा 2 × 1 = 2 फिर यहां देखिए सेकंड से सेकंड तो -1 ठीक है फिर यहां देखिए 3 से 2 में तो 6 +6 यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना अब आगे बढ़िए अभी भी क्या है फर्स्ट थर्ड रो से सेकंड कॉलम में 2 से 1 में तो 2 होगा फिर देखिएगा -1 से 2 में तो -2 होगा
ठीक है, 3 से 1 में तो -3 होगा, ठीक है। फिर आइए फिर थर्ड रो से थर्ड कॉलम 2 से 1 में, तो यहां पर दुगुना एकदम स्थिर से करना है आपको, एकदम स्थिर से 2 से 1 में 2 से, फिर -1 से -3 में, देख रहे हैं उंगली पर ध्यान दीजिएगा, -1 से -3 तो +3, फिर यहां 3 दिया 9 +9, अब यह जिसको कैलकुलेशन कीजिएगा यह जो मेरा मैट्रिक्स आएगा वह क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा, क्या आएगा a स्क्वायर आएगा, देखिए a स्क्वायर बराबर आपका हो गया a स्क्वायर बराबर एक मैट्रिक्स हो गया जो आपको क्या हो गया 2 × 1 × 3 × 1 कितना 4, क्या हो गया 4, 2 × 1 × 3 यहां घट गया तो सीधे 2, समझ रहे हैं यह 2 है, ध्यान से देखिए, फिर यहां 3 से 3 कट गया 1, तो यहां पर आपको 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया, फिर देखिए 3 से घटा तो ये बात 0, फिर यहां 4 × 7 = 8, फिर यहां क्या हो गया 9 × 6 = 9 = 6 = 15, ये घट जाएगा समझ, ये घट जाएगा तो 5 × 14 हो जाएगा -14, समझ रहे हैं, फिर यहां 6 × 1 घटेगा तो 1 बचेगा तो 7, यहां देखिए 3 × 2 − 5 × 2 घट जाएगा तो 3 − 3, फिर यहां देखिए 3 × 2 = 5 × 9, समझ रहे हैं 9 × 5 = 14, यहां पर आपका हो जाएगा 14, तो a स्क्वायर बराबर नहीं मिल गया, अब हमको a क्यूब भी चाहिए, तो भाई साहब a क्यूब के लिए आपको क्या करना होगा, a स्क्वायर से a क्यूब बराबर a स्क्वायर से a में गुना करना होगा, समझ रहे हैं क्या करना होगा, गुना करना होगा, ठीक है। अब आइए उसके बाद, उसके बाद हमको a क्यूब निकालना है, क्या निकालना है a क्यूब, तो कहीं धर लेते हैं, देखिए आइए घबराइएगा कभी नहीं, ठीक है, हां देखिए a क्यूब बराबर, तो a क्यूब बराबर होता है a स्क्वायर गुने a, तो a स्क्वायर को यहां पर लिखे जो अभी आया है, देख लीजिए क्या आया है 4 × 2 = 1, फिर आया 0 × 8 − 14, फिर आया 7 − 3 = 14, समझ रहे हैं इनटू a, अब a को रखिए, a क्या है यहां पर है अतर a दिया गया है, देख लीजिए 1 × 1 = 1 1 2 − 3, फिर आपका 2 − 1 = 3, अब ये दोनों गुना कीजिए, फिर गुना आपको एकदम स्थिर से करना है, घबराना नहीं है, किससे गुना करते हैं रो से कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम देख लीजिए, तो 4 × 1 4 से 1 में तो 4 × 1 = 4, 2 से 1 में तो 2, 1 से 2 में तो फिर 2, ठीक है, फिर अब आगे फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में तो 4 × 1 = 4, 2 × 2 = 4, 1 × -1 = -1, फिर अब आगे फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम 4 × 1 = 4, 2 × 3 − 6, 1 × 3 में तो +3, समझ रहे हैं, फिर देखिएगा आगे आगे क्या आपका यहां सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम 0 × 1 = 0, फिर 8 × 1 = 8, 14 × 2 − 28, ठीक है, फिर आप सेकंड रो से सेकंड में 0 × 1 = 0, ठीक है 8 × 2 = 16, फिर 14 से 1 में तो −−+14, समझ रहे हैं, फिर आइए फर्स्ट सेकंड से थर्ड में तो 0 × 1 = 0, 8 × 3 = 24, ठीक है, और 14 × 3 − 42, −42, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए, स्थिर से खाली ध्यान दीजिए बोर्ड पर, आइए सेकंड फर्स्ट रो से कहां फर्स्ट कॉलम में देख लीजिए 7 × 1 = 7, −3 × 1 = −3, 14 × 2 = 28, फिर देखिएगा 7 × 1 = 7, 3 × 2 = −6, 14 × 1 = −14, फिर 7 × 1 = 7, 3 × −3 = +9, ठीक है, और 14 × 3 = +42, कोई दिक्कत नहीं ना, अब इसको आप क्या कीजिए एक जगह लिखिए हल करके इसको जोड़कर, देखिए 2 × 2 = 4 × 4 कितना 8, फिर देखिए 4 × 4 = 8 में से 1 गया तो 7, यहां देखिए 6 × 4 = 3 7 में से 6 गया तो 1, फिर देखिए 28 में से 8 गया तो −20, फिर देखिए 16 × 14 = 16 = 14 तो 20 + 10 = 30, फिर यहां देखिए 42 × 24 दोनों जोड़िएगा तो 4 × 2 = 6 4 × 2 = −66, ठीक है, फिर यहां 28 है, यहां देखिए 3 घटेगा तो 4 8 × 4 = 12 मतलब 32, ठीक है, फिर यहां इसको आप जोड़िएगा ध्यान से देख लीजिए 6 है −14 तो −6 − 14 हो जाएगा 20,
आ ये 7 घट जाएगा तो कितना 20 में से 7 गया था 13 13 ठीक है। फिर यहां देखिए 7 आ 9 9 आ 7 आ 42 तो 9 7 कितना 9 7 16 16 आई 42 तो 16 42 कितना हो जाएगा 16 आ 42 16 आ 42 58 ना 16 और 42 देखिए 9 आ 7 16 6 आ 2 8 यहां से ले 4 1 5 58 यह निकला मेरा क्या ए क्यू। यह जो हम निकाले वह क्या निकला तो ए क्यू निकला ए क्यू। अब उसके बाद हमको क्या कहता है शो डेट दिखाइए इसमें। अब यहां पर मान रखेंगे इसको पहले नोट कीजिए ठीक है। क्या कीजिए नोट कीजिए। चलिए अब इसको नोट करने के बाद आपको क्या करना है आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है इसमें सीधा मान रखना है ए क्यू के जगह ए क्यू ए स्क्वायर के जगह ए स्क्वायर ए के जगह ए आई के जगह आई। जब भी गुणा करेंगे तो बराबर क्या है जीरो आ जाएगा। सबको जीरो घटाव करेंगे तो जीरो अपने आप क्या है आ जाएगा। तो आइए देखिए हम यहाँ पर क्या है देखिएगा ध्यान से आपको क्या दिया गया है क्या करना है आप देखिएगा ध्यान से ठीक है। कुछ नहीं है चूंकि ए क्यू है फिर माइनस सिक्स ए स्क्वायर है प्लस फाइव ए है और प्लस ग्यारह आई है अब देखिए ध्यान से क्या आपको ए क्यू के जगह मान रखिए इसके बराबर हमको जीरो लाना है। जीरो लाना है प्रूफ करना है तो जीरो आएगा यह क्या हो जाएगा एल एच एस हो जाएगा एल एच एस बराबर ए क्यू। तो ए क्यू अभी निकाले हैं इस ए क्यू को यहाँ पर लिखे देखिए क्या लिखा है ए क्यू में 8 7 1 माइनस 20 30 फिर माइनस छियासठ फिर आपका 32 माइनस 13 फिर आपका 58 ठीक है। फिर आपका माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर यहाँ निकाले हुए देख लीजिए 4 2 1 0 8 माइनस 14 7 माइनस 3 और 14 यह हो गया ठीक है। उसके बाद आपको 5a है क्या है 5a ठीक है तो 5a कीजिए ठीक है। क्या करना है 5a तो 5 लिखिए और a के जगह फिर मान रखिए देखिए आपका क्या है 5a तो प्लस 5 और a के जगह आप मान रख लीजिए a के जगह आपको क्या है 1 1 1 1 2 -3 फिर 2 -1 3 ठीक है। फिर प्लस 11 11 आई आई है कितना 3/3 के क्योंकि सब 3/3 का तो आई भी 3/3 के 3/3 का आई क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यह हो गया। अब इसको क्या की जोड़ना है इसको मिटा देते हैं ठीक है। आइए यह हो गया आपको क्या आपको इस सब को जोड़ना है घटाना है जो करना है कीजिए सीधा इस सब के बराबर जब भी कीजिएगा तो आपका क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 जो आपको लाना है वही क्या हो जाएगा आपका आर एच एस हो जाएगा। फिर कहेगा सर जी डायरेक्ट काला कर दिए हैं कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं डायरेक्ट आप देखिए ना करके देखिएगा देखिए 8 यहाँ 6 चौक 24 -24 5 1 5 देख लीजिए क्या है आपका 8 6 चौक -24 5 1 5 +5 11 1 11 देख लीजिए 8 5 13 13 11 24 प्लस में 24 माइनस में बराबर 0 आ जाएगा समझ रहे हैं। फिर आप दूसरा का देखिए 7 क्या है आपका देख लीजिए दूसरा का 7 फिर यहाँ 6 2 12 यहाँ देखिए ये हो गया। फिर यहाँ देखिए 5 1 5 7 5 12 7 5 12 क्या है 0 ये तो 0 है 0 मतलब सब को आप कैलकुलेशन कीजिएगा 0 ही आएगा। फिर देखिए तीसरा स्थान वाला 1 -6 1 -6 फिर आया है ये तीसरा स्थान वाला 5 तो +5 फिर 5 1 6 6 में सही तो 0 है तीसरा स्थान बराबर 0 समझे। हर एलिमेंट के किसी को भी आप जोड़ कर देख लीजिए 0 आएगा ही तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं 0 लेके आरएचएस लिख देंगे तो क्या प्रूफ करना है तो फिक्स 0 आएगा करेगा बस आपका गुना सही होना चाहिए। यह क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब इसके बाद नाउ अब हमको क्या निकालना है ए इनवर्स तो नाउ जो दिया गया है वो आप लिखेंगे चूंकि ए क्यू माइनस सिक्स ए स्क्वायर समझ रहे हैं फिर प्लस 5a प्लस 11 पूछा हुआ है ऐसे सवाल क्वेश्चन बैंक आपको 90 साल उल्टा का देखिएगा ये पूछा हुआ है आप इस मटेरियल नहीं समझ रहे हैं एकदम ध्यान से पढ़िए बराबर क्या है 0 और फाइन निकालना हमको a इनवर्स क्या निकालना है a इनवर्स तो सीधे फिर वही बात मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन समझ रहे हैं बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड दोनों तरफ गुणा करने पर जब ये गुणा की जाएगा तो क्या होगा ए इनवर्स आ ए क्यू
A इनवर्स इनटू A माइनस 6 A इनवर्स इनटू A स्क्वायर फिर प्लस 5 A इनवर्स इनटू A प्लस 11 इनटू A आ A इनवर्स आई क्या है आई है A इनवर्स आई इनटू I बराबर 0 गुने A इनवर्स 0 गुने A इनवर्स 0 होगा इधर आइए A इनवर्स है ये कोई चलाएगा तू तो I बन जाएगा भाई a इनवर्स a क्यूब है तो a क्यूब में से a को a का साथ चलाएगा तो i बन जाएगा a स्क्वायर बच जाएगा फिर -6 a स्क्वायर में से a को a चलाएगा तो i बन जाएगा a को a बच जाएगा 5 a * e 5 i बन जाएगा समझ रहे फिर यहां i 11 इनवर्स है तो a इनवर्स 11 इनवर्स रहबे करेगा क्योंकि इसमें i गुने तो वही रहेगा i का मान तो 1 लिखा होता है जैसे 1 हो अब बराबर 0 तो 0 अब यहां देखिए i गुने a तो a स्क्वायर माइनस 6 गुने a तो 6a अब प्लस 5i तो 5i रहेगा अब प्लस 11 a इनवर्स रहेगा बराबर 0 अब 11 a इनवर्स को इधर अब बाकी सब को उधर तो ये जाएगा देख लीजिए पहले माइनस वाला माइनस 6 है तो 6a प्लस में फिर माइनस a स्क्वायर अब माइनस 5i बस इसका आप क्या कीजिए मान निकालिएगा मान रखिएगा तो देखिए मान रख रहा है ये 11 a इनवर्स और 6 आ ए के जगह ए का मान रखेंगे ए बराबर आ ए के जगह ए का मान क्या है देख लीजिए 1 1 1 फिर आपका 1 2 -3 फिर आपका 2 -1 3 सॉरी माइनस ए स्क्वायर तब ए स्क्वायर के जगह ए स्क्वायर का मान रखेंगे ए स्क्वायर का मान यहाँ है देख लीजिए क्या है ए स्क्वायर 4 2 1 फिर आपका 0 8 -14 फिर आपका 7 -3 14 समझ रहे यह a स्क्वायर फिर है -5 तो -5 i के जगह तो i रहेगा 1 0 0 0 1 0 आ 0 0 1 अब इस सब के हल कीजिएगा तो बराबर आएगा 11 a इनवर्स बराबर एगो मैट्रिक्स वह क्या आएगा ध्यान से देखिएगा अब यहां देखिएगा सबको जोड़ेंगे तो 6 × 1 = 6 और -4 तो 6 में से 4 गया और फिर -5 देख लीजिए 6 और -4 तो 6 में से -4 घटा तो 2 बचा और 5 × 1 = 5 तो -5 और -5 में से 2 गया तो -3 बच गया ठीक है फिर अगला एलिमेंट 6 × 1 = 6 और -2 तो 6 में से 2 तो 4 आई 0 है तो बच गया है 4 ठीक है फिर यहां देखिए 6 × 1 तो 6 6 × 1 तो 6 और फिर यहां -1 समझ रहे तो 6 और में से -1 तो बच गया आपका 5 ठीक है फिर आगे देखिए 6 × 1 6 और माइनस कितना 0 0 का कोई वैल्यू नहीं यहां फिर 0 है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं समझ रहे हैं ना तो सिर्फ 6 × 1 = 6 बचा इधर 0 है फिर यहां भी 0 है तो सिर्फ यहां पर 6 बच गया फिर यहां देखिए 6 दूसरा 6 × 12 6 × 12 आई -8 तो 12 में से 8 घटा तो बचा 4 यहां है -5 समझे तो -1 बच गया 6 × 12 - 8 तो 12 में 8 गया तो 4 प्लस में यहां है -5 तो -5 में से 4 घटा तो -1 फिर 6 × 3 = 18 -18 - -+14 तो माइनस कितना देखिए 6 × 3 = 18 -18 और -+14 तो 14 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा तो भाई 4 तो क्या -4 दिया है -4 ये तो 0 है फिर आ गया ये 6 × 12 -7 तो 6 × 12 में से 7 यहां फिर 0 है तो 6 × 12 12 में से 7 घटा तो 5 7 × 5 = 12 फिर यहां 6 × 1 = 6 तो -6 और -+3 तो +3 और -6 तो -3 बच गया ठीक है फिर यहां 6 × 3 = 18 और -14 तो 18 में से -14 4 बचा -5 तो फिर बच गया आपको कितना यहां 6 × 3 = 18 आई -14 तो 4 बचा और -5 तो फिर -1 यहां 11 इनवर्स है इसीलिए a इनवर्स बराबर 1 बटा क्या है इसी बात को क्या करना है 11 है गुना में इधर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर 1 बटा 11 समझे और a इनवर्स बराबर यही आप बात हो जाएगा हेंस करके आ लिख दीजिए कि हेंस a इनवर्स बराबर जो आया है 1 बटा 11 इनटू जो आया है वह पूरा यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो हमें फिर से आप कॉल कीजिएगा आपको उस इसको नोट कीजिए वही ठीक है और कॉल कीजिएगा आपको वहीं पर उसका सलूशन होगा
किसी भी प्रकार के आपके पास समस्या होगा, किसी भी पढ़ाई संबंधित कोई भी समस्या, रोको पढ़ाई नहीं होता है या आपके मन में यह दूसरा इसरा बात चलता है, आपको कोई भी बात हमसे पूछना हो तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा, उस मोबाइल नंबर पर आपको तुरंत जवाब मिलेगा, ठीक है। तो आइए, थैंक फॉर वॉचिंग, तो मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, दिल से पढ़िए, कुछ आगे अपने भविष्य को तय कीजिए।